अखिलेश यादव के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने छापेमारी की। गायत्री प्रजापति की बोगस कंपनियों को चलाने वाले मंत्री के बेटे अनिल प्रजापति के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। अनिल प्रजापति का दफ्तर विभूति खंड के ओमेक्स में है। जानकारी के अनुसार लखनऊ, सुल्तानपुर और अमेठी के ठिकानों पर ईडी की टीमें छापेमारी कर रही है। इनमें गायत्री के घर, बेटे के दफ्तर पर यह छापेमारी जारी है। बता दें, गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों करीब एक हफ्ते जमानत से बाहर रहने के बाद वे एक बार फिर जालसाजी के मामले में फंस गए हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति पर भी शिकंजा कस दिया है। जानकारी के अनुसार ईडी की पूछताछ में गायत्री के बेटे अनिल प्रजापति ने कई राज उगले हैं। कई शेल कंपनियों को लेकर अनिल से ईडी ने पूछताछ की। इस दौरान ईडी को शेल कंपनियों के साथ करोड़ों के ट्रांजेक्शन से जुड़े सबूत मिले। गायत्री प्रजापति के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने शेल कंपनियों के जरिए मोहनलालगंज में करोड़ों की संपत्तियां खरीदी हैं। इसके अलावा खनन घोटाले के मामले में भी उनसे पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।